Using elementary transformation, find the inverse of each of the matrices if it exists. Exercise 1 to 17. अब elementary transformation use करके invert निकलना होगा 1 to 17. इसका पहले वाला वीडियो पे 1 to 14 तक मैं वीडियो बना के रखा, वो चेक कर. Next assist करेंगे 15. Let a equal to 2 minus 3, 3, 2, 2, 3, 3 minus 2. इनका इन्वर्स निकलना होगा. तो इन्वर्स निकलने के लिए क्या लिखना होगा? You can write it as A equal to I A. T simplas. A मतलब क्या है? 2 minus 3, 3, 2, 2, 3, 3 minus 2, 2. ए मतलब आई मतलब क्या है? आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1. 3 by 3 मैट्रिक्स को अब इन्वर्स करोगे तो वह पे एक बात याद रखना होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इनको आइडेंटिटी करना होगा. तो आइडेंटिटी करने के लिए क्या करना होगा? जो ए फर्स्ट लेवल है इनको 0 करना होगा. ए फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप ए भी जो एलिमेंट है इनको 0 करना होगा. तो ये है सेकेंड स्टेप. ये है थर्ड स्टेप, इनको 0 करना होगा. ये है फोर्थ स्टेप, इनको 0 करना होगा. फोर्थ स्टेप नेक्स्ट ए पे. अब ये फिफ्थ स्टेप है. ए सिक्स स्टेप है. फोर्थ में पे 6 स्टेप करना होगा. 6 स्टेप 0 करना होगा. तो फर्स्ट क्या करना है? ए 0. तो एच आएगा, नेक्स्ट एच आएगा, नेक्स्ट एच जाएगा, एस एम एच जाएगा, एंड नेक्स्ट एच हो जाएगा. ये करना होगा. तो यहाँ पे माइनस 3 को 0 करना होगा. यहाँ पे कितने हैं? 3. एंड यहाँ पे कितने हैं? 2. अगर आर वन को आर वन पे काम कर रहे हैं, अगर आर वन को ट्वाइस आर वन प्लस 3 आर टू कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इतने 2 है. यहाँ पे इतने 2 इंटू आर वन तो 2 इंटू 2 तो 4 प्लस 3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कितने हैं? 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू आर टू पे कितने हैं? 2 है. तो ये क्या हो रहा है? -6 प्लस 6. तो ये भी ये 0 हो रहा है. एंड यहाँ पे कितने हैं? 3 इंटू 2 तो 6. एंड 3 इंटू ए पे भी 3 तो क्या हो जाएगा? 9. 6 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा? 15. बाकी जो सेकेंड रो ऐसे रह जाएगा क्या? 2 2 3 3 माइनस 2. यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे कितने? 1 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा. प्लस 3 इंटू आर 2 यहाँ पे 0. तो यहाँ पे क्या होगा? 2 हो जाएगा. यानी यहाँ पे क्या होगा? 0 इंटू 2 तो 0 प्लस 3 आर 2 तो यहाँ पे 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. 0 1 0 0 0 1. देखो ये फर्स्ट जो है ना वो कंप्लीट होगा. नेक्स्ट आपका टारगेट क्या करना होगा? ये सेकेंड ये को इनको सीधे करना होगा. कैसे जीरो हो जाएगा? देखो एक पूछा आर टू पे क्या करना था? ये 0 हो जाएगा. अगर अब ऐसे लिखो तो 5 आर 2 प्लस आर 1. सॉरी ये माइनस आर टू. हम पहले काम कीजिए, यहाँ पे जितने थे वो लिख के रखो. 0 0 15 2 3 0 पे कितने हैं? 3 माइनस 2 2 0 0 1. क्योंकि आर टू पे कम कर रहे हैं. तो देखो आर टू पे यहाँ पे कितने हैं? 2 2 इंटू 5 तो 10 माइनस आर वन तो यहाँ पे कितने हुए? 10 10 से 10 गए तो ये 0 हो जाएगा. 2 इंटू 5 तो ये 10 हो जाएगा. माइनस आर वन तो ये पे 0. 3 इंटू 5 तो 15 माइनस 15 तो ये 0 हो जाएगा. 0 इंटू 5 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा. ये तो 5 5 माइनस 2 तो ये पे 2 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. नेक्स्ट का टारगेट क्या है? थर्ड ए 0 करना होगा. तो मतलब ए 0 करना तो क्या होगा?
एक कुंचा रो पे थर्ड रो पे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जैसे तैसे हो सके, तो ये लिख के रखो 0 0 15, 2 3 0 0 10, 0 -2 2 0। तो क्या करना चाहिए हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 10 R 3 -3 R 1, और 10 into R 3 तो कितना 3 -3 into R 1 तो कितना है 10, तो ये 30 -30 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना है 10 -2 तो कितना है -20, -3 into 0 तो 0, तो यहाँ पे क्या होगा -20 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना है 10 into 2 तो 20, -3 into R 1 तो ये कितना होगा -45, तो यहाँ पे क्या होगा -25, यहाँ पे कितना है 0 0 माइनस, ये 0 हो जाएगा -R 3, तो यहाँ पे क्या होगा -6, ये 0, ये भी क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ये क्या होगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, देखो ये इस पार्ट को 0 करना होगा, ये फोर्थ पार्ट को 0 करना होगा, देखो फोर्थ पार्ट को 0 करना चाहिए, तो कौन सा रो पे थर्ड रो पे, मतलब इसी से भी क्या करना होगा, पहला जो रो फर्स्ट एंड रो जैसे था ऐसे लिखना होगा, 10 0 15 2 3 0 0 10 0 -2 2 0, एक कुंचा रो पे R 3 पे क्या करना चाहिए, 0 हो जाएगा R 3 + 2 R 2, 0 + 2 R 0 तो 0 हो जाएगा, -20 + 2 R मतलब यहाँ पे 10 तो 20 - 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है -25 + यहाँ पे 0 तो -25 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -6 + -2 एंड R 2 पे 2 तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये कितना होगा -9 2 2 4 तो क्या हो जाएगा -5, एंड ये क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट ये भी ऑलरेडी 0 है, 1 0 करना है लेकिन ऑलरेडी है, तो आपको लास्ट पे क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा, तो देखो एक ऊंचा रो पे फर्स्ट रो पे जब इनको 0 करना हो तो आप ऐसे माइनस कीजिए तो 0 हो जाएगा, वही कुंचा रो पे फर्स्ट रो पे, तो सेकेंड एंड थर्ड जैसे था ऐसे लिखो 0 10 0 0 0 -25, ये -2 2 0 -10 -5 0, R 1 पे क्या होगा, ये कितना है 50 50, मतलब क्या है 3 into 5, एंड यहाँ पे कितना है 25, तो क्या है 5 into 5 5 5 कैंसिल, देखो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो R 1 पर देखो 15 को 5 से मतलब 5 R 1 + 3 R 10, R 1 पे कितना है 10, 5 into R 1 तो 5 into 10 मतलब कितना क्या होगा जाएगा 15 0, तो 8 0 हो जाएगा, एंड 5 into 15 तो 75 + 3 into -25 तो 75, तो क्या हो जाएगा 8 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 2, तो 2 into 5 तो 10 + 3 into कितना -10 तो क्या हो जाएगा 30, तो ए क्या हो जाएगा -20, एंड ए क्या होगा 3 5 3 5 तो 15, और यहाँ पे कितना है -15, -15 तो ये 0 हो जाएगा, एंड ए पे 0, ए पे कितना 10 तो क्या हो जाएगा 30, 30 + R 1 पे 1/50 R 1, एंड R 2 पे 1/10 R 2, एंड R 3 पे -25 R 3,
फर्स्टों को 50 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 50 से 1 हो जाएगा, 8 0 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड करने से -2/5 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा, 8 3/5 हो जाएगा। एंड इस रो को सेकेंड रो को 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, 8 0 1, 8 0 -2/10 हो जाएगा, मतलब 1/8 कैंसिल करने से 1/5 हो जाएगा, ये क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, और ये तो 0 है ना, 0 हो जाएगा। इसको -25 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 0 0 1, ये क्या हो जाएगा, 2 -2/5, देन ये क्या हो जाएगा, -1/5, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू -2/5, 0 3/5, -1/5, 1/5, 0, -2/5, -1/5, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेट ए इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, इनको इनवर्स निकलने के बाद वी कैन राइट देन एस ए इक्वल टू आई ए, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ए इक्वल टू क्या है, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए भी सेम प्रोसेस पे करना होगा। अब पहले जो प्रोसेस किया वो ही, क्योंकि ए भी 3 मैट्रिक्स, तो आपका क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स को एडमिट करना होगा। तो एडमिट करने के पहले और एक बात ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे जो डायगोनल इलेवन नॉन जीरो होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हुआ रहे, तो उनको क्या करना होगा, फर्स्ट ए चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ये दोनों चेंज करना होगा, फिर आर टू इंटरसेंस आर थ्री, तो क्या होगा, 1 3 -2, इसको इस सेकेंड रो को थर्ड रो हिसाब से लिखना होगा, एंड थर्ड रो को सेकेंड रो हिसाब, तो 2 5 0, ये क्या होगा, -3 0 -5 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 लिखना होगा। तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट वो आपको पहले से पता है, क्या करना होगा, इनको फर्स्ट स्टेप ए पे 0 करना होगा, ए फर्स्ट स्टेप इनको 0 करना होगा, फर्स्ट स्टेप सेकेंड ऑफ इनको 0 करना होगा, थर्ड ए 0 करना होगा, फोर्थ ए 0 करना होगा, फिफ्थ ए 0 करना होगा, एंड सिक्स ए 0 करना होगा। तो देखो दिस इम्प्लाइज क्या करना चाहिए हो जाएगा, जब ए 3 को 0 करोगी तो ए कौन सा रो पे, फर्स्ट रो पे, तो सेकेंड एंड थर्ड रो जैसे था ऐसे होगा, तो क्या लिखना होगा, 2 5 0 -3 0 -5 0 0 1 0 1 0, तो आर वन पे क्या करना चाहिए, ए 0 हो जाएगा, वो चेक करो आर वन पे, अभी कितना है 3 एंड ए पे कितना है 5, तो आर वन को 5 से एंड आर टू को 3 से मल्टीप्लाई किया, आर वन को 5 × R1 - 3 × R2, देखो ये पे कितने, 1 1 × 5 तो 5 हो जाएगा, -3 × R2 तो कितने हैं 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड ये पे कितना होगा, 3 × 5 तो 15, एंड 5 × 3 तो क्या हो जाएगा 15, तो ये 0 हो जाएगा। ये पे चेक कीजिए क्या होगा, ये पे -2 × 5 तो -10, -3 × 0 तो ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -8 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, ए 2 को 0 करना होगा, तो कैसे 0 होगा,
ये तो कौन सा रो पे, सेकेंड रो पे, तो जितना भी काम है इस बार सेकेंड रो पे करना होगा। देखो ए पे कितने हैं, टू, एंड ए पे कितने हैं, वन, तो आर टू पे, आर टू माइनस प्लस टूअर्च आर वन, फर्स्ट रो जैसे था ऐसे होगा, वन जीरो माइनस टेन, ए पे क्या फाइव जीरो माइनस थ्री, एंड थर्ड रो भी ऐसे हो जाएगा, जीरो माइनस फाइव जीरो वन जीरो हो जाएगा। ये पे देखो ये पे कितने हैं, आर टू पे कितने हैं, टू प्लस टू आर वन, ये पे कितने हैं वन, तो ये जीरो हो जाएगा। ये पे कितने हैं फाइव, क्योंकि ये जीरो, ये पे कितने जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी, ये क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये पे कितने वन, यानी सिक्स टू, ये पे माइनस फाइव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, ये जो है ना उनको जीरो करना होगा, तो वो एक ऊंचा रो पे थर्ड, एक ऊंचा रो पे थर्ड रो पे, देखो थर्ड रो पे, तो ये क्या करना चाहिए, जीरो हो जाएगा, वो चेक करना होगा। जब यहाँ पे कितने हैं माइनस टेन, यहाँ पे कितने हैं माइनस वन, आर थ्री को प्लस थ्री आर वन से प्लस करना होगा, सॉरी प्लस नहीं, ये माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा। देखो तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो तो कुछ नहीं किया, तो जैसे थे ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस वन जीरो माइनस टेन फाइव जीरो माइनस थ्री जीरो फाइव माइनस ट्वेंटी टेन जीरो माइनस फाइव। देखो आर थ्री पे, ये पे कितने हैं माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये पे जीरो ही, तो जीरो ही हो जाएगा। ये पे कितने हैं माइनस फाइव, देखो माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस टेन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पे कितना क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। ये पे कितने हैं जीरो, एंड माइनस थ्री वन, मतलब ये पे माइनस फिफ्टीन हो जाएगा। ये पे कितना होगा वन ही हो जाएगा, ये पे जीरो, तो ये पे क्या होगा माइनस प्लस, तो ये पे नाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टारगेट की क्या है, ए जीरो करना है, ऑलरेडी है, मतलब ए स्टेप नहीं करना है, अभी क्या करना है इनको जीरो करना होगा। तो जब भी ए पर जीरो करोगे ना, तो उनका नीचे जो डायगोनल एलिमेंट वह से माइनस करने के बाद ही अब जीरो करना है, ऐसे नहीं है, ए ए पर से जीरो करना होगा। तो डी सिंपल, देखो एक कुंचा रो पे, एक कुंचा रो पे सेकेंड रो पे, तो इस बार जितना भी काम करना होगा सेकेंड रो पे करना होगा। देखो यहाँ पे कितना है ट्वेंटी, यहाँ पे कितना है ट्वेंटी, यानी ट्वेंटी क्या लिख सकते हैं फोर इंटू फाइव, ये कितना है ट्वेंटी फाइव, तो क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव, तो फाइव फाइव कैंसिल, मतलब क्या करना होगा फोर को ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा, आर टू को फोर से फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा, आर फाइव प्लस फोर आर थ्री करना होगा। तो ये भी आर वन एंड आर थ्री कुछ नहीं किया, तो जैसे था ऐसे होगा माइनस वन जीरो माइनस टेन फाइव जीरो माइनस थ्री जीरो जीरो ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन वन नाइन। तो देखो ये भी कितने जीरो, जीरो कुछ है तो फाइव इंटीग्रेट से जीरो हो जाएगा, प्लस ये भी जीरो, तो ये बार टोटली जीरो हो जाएगा। ये भी कितने फाइव, फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करने से ट्वेंटी हो जाएगा, ये पे ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। ये देखो कितने माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी एंड फाइव, तो हंड्रेड हो जाएगा, प्लस फोर इंटू आर थ्री, ये पे इतना, तो हंड्रेड माइनस हंड्रेड, तो ये भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट ये पे देखिए, ये पे कितने हैं टेन, टेन इंटू फाइव, तो फिफ्टी, एंड ये पे कितने हैं फोर इंटू फिफ्टीन, तो क्या हो जाएगा फोर इंटू फिफ्टीन, तो सिक्सटी, तो माइनस सिक्सटी, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन हो जाएगा। यहाँ पे कितना है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है माइनस फाइव, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस ट्वेंटी फाइव, यहाँ पे कितना है फोर, तो प्लस थर्टी सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा इलेवन हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा इलेवन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको क्या टारगेट, ए एलिमेंट को जीरो करना होगा, वो कौन सा रो पे, फर्स्ट रो पे,
सेकेंड एंड थर्ड रो जैसे तैसे होगा, तो 0 25 0 0 0 25 -10 4 11 -15 1 9 ए, तो ए क्या करने से 0 हो जाएगा। वो देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं 10 10 मतलब क्या है 2 into 5 यानी यहाँ पे कितने हैं 25, तो क्या लिख सकते हैं 5 into 5, तो 5 5 कैंसिल, मतलब 10 को 5 से एंड 2 को 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो R1 पे 5 into R1 +2 into R3 करना होगा, ए करना होगा, तो क्या होगा -1 इन R1 पे कितने -1 तो 5, तो 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितने 0, तो यहाँ पे क्या होगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे कितने 0 है, ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं -10 into 5 तो 50 +25 into 2 तो क्या हो 52, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 5 5 into 5 तो 25, यहाँ पे कितना है 25, यहाँ पे कितना है 15 into 2 तो क्या 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, -3 तो 15, यहाँ पे कितना है 9 तो 18, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर R1 को -1/5 से इंटू कर देता हो एंड R2 को 1/25 से इंटू कर देता हो एंड R3 को 1/25 से इंटू कर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -5 तो ये 1 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा माइनस, ये -3/5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 1, ये 0, ये क्या हो जाएगा 25 करने से -2/5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, ये 11/25 हो जाएगा, ये 0 0 1 ये क्या हो जाएगा -3/5 हो जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा, ये 9/25 हो जाएगा। डेयरफोर ए इनवर्स इक्वल टू 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25 Let A equal to 2 0 -1 5 1 0 0 1 3. We can write an S A equal to I A. This implies A मतलब क्या है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3. 1 मतलब क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A. फर्स्ट सर्किट ए जीरो करना का ऑलरेडी है, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप ए पे आना, ए जीरो करना का, थर्ड ए भी जीरो करना का, फोर्थ ए जीरो करना का, फिफ्थ ए जीरो करना का, सिक्स्थ ए जीरो करना का, आपका टोटल 6 स्टेप करना होगा, तो ऑलरेडी ए है। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, ए जीरो करना होगा, तो कैसे जीरो करोगे वो देखो, यहाँ पे कितने हैं 2 एंड यहाँ पे कितने हैं 5, तो आर एंड ए कौन सा रो पे है, R2 पे, तो R2 पे ए कर ले, R2 पे यहाँ पे कितने 2R2 -5R1, ए कौन सा रो पे सेकेंड रो पे, तो फर्स्ट एंड थर्ड रो जैसे तैसे 2 0 -1 0 1 3 1 0 0 0 0 1, तो यहाँ पे कितने हैं 5, देखो 2 into 5
माइनस फाइव, सॉरी यहाँ पे टू होगा बाय मतलब यहाँ पे वन हो गया, फाइव टेन, टेन माइनस टेन तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं वन, तो टू इंटू वन तो टू, माइनस फाइव इंटू आर वन पे जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा टू हो जाएगा, यहाँ पे जीरो एंड ए माइनस एंड ए माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा फाइव हो जाएगा, यहाँ पे बी जीरो तो ए क्या हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा टू हो जाएगा एंड ए जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, ए जीरो करना गया ऑलरेडी है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट फोर्थ पे आना है, ए ए ऑप्शन जीरो करना होगा। ए कौन सा रो पे, थर्ड रो पे, तो जो भी काम करना होगा थर्ड रो पे करना, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं टू है एंड यहाँ पे कितने हैं वन, तो आर वन को टू से मल्टीप्लाई, आर थ्री को टू से मल्टीप्लाई कीजिए एंड आर टू को वन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे जो आर वन एंड आर टू जैसे था ऐसे हो जाएगा, तो लिखो टू जीरो माइनस वन जीरो टू फाइव, वन जीरो जीरो माइनस फाइव टू जीरो, यहाँ पे जीरो ए तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे कितने वन, वन इंटू आर टू इंटू आर वन तो टू माइनस टू तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितने थ्री, थ्री मतलब क्या हो जाएगा थ्री तो सिक्स, सिक्स माइनस फाइव टू यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं जीरो माइनस आर टू, आर टू पे कितने हैं माइनस फाइव, तो ये फाइव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। नेक्स्ट आपको टारगेट क्या करना होगा, ए जो फाइव है ना फाइव को इलेवन करना होगा, मतलब ए इस तक पे आएगा, कौन सा रो पे सेकेंड रो पे, तो बाकी सेकेंड रो पे काम करना होगा, तो जब भी ए इलेवन करोगे ना इनको से फर्स्ट रो से नहीं होगा, ये थर्ड रो से करना होगा, मतलब ए डायगोनल इलेवन से करना होगा, तो देखो इसको फाइव ए यहाँ पे कितने हैं फाइव एंड यहाँ पे कितने हैं वन, तो सेकेंड रो को सेकेंड रो पे, तो सेकेंड रो पे सेकेंड रो माइनस फाइव आर थ्री, मतलब यहाँ पे सेकेंड रो को वन से एंड थर्ड रो को फाइव से इंट किया, दोनों प्लस कर दिया, तो माइनस करते दोनों माइनस करते, देखो फर्स्ट एंड थर्ड रो जैसे तैसे होगा क्योंकि अभी कोई काम नहीं गया, तो जैसे तैसे लिखो वन माइनस वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो फाइव माइनस टू टू, देखो यहाँ पे कितने हैं जीरो, जीरो माइनस जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं टू, टू ए टू ही हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं फाइव माइनस फाइव आर वन तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू यहाँ पे कितने हैं फाइव, तो देखो ट्वेंटी फाइव ये क्या हो जाएगा माइनस थर्टी हो जाएगा, टू माइनस टू एक प्लस टेन तो यहाँ पे कितना होगा ट्वेल्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस टेन हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट है ना इनको जीरो करना होगा, तो कैसे जीरो होगा वो चेक करेंगे। एक कौन सा रूप है फास्ट रूप है, तो जितना भी काम करना होगा फास्ट रूप में करना होगा, देखो यहाँ पे कितने हैं माइनस वन, यहाँ पे कितने हैं वन, तो आर वन को वन एंड आर थ्री को ऐसे थ्री से वन करना, तो क्या आ जाएगा देखो सेकेंड एंड थर्ड रो तो कुछ नहीं किया, तो जैसे था ऐसे लिखो वन जीरो 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 वन माइनस थर्टी ट्वेल्व माइनस टेन फाइव माइनस टू, ये पे कितने हैं टू एंड टू का नीचे ए टू ही रह जाएगा, ये पे कितने हैं जीरो प्लस आर थ्री, आर थ्री पे कितने हैं जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये पे कितने हैं माइनस वन प्लस वन तो ये जीरो हो जाएगा, ये पे कितने हैं वन प्लस फाइव तो यहाँ पे कितना होगा सिक्स होगा, जीरो प्लस माइनस टू तो माइनस टू हो जाएगा, जीरो प्लस टू तो टू हो जाएगा, थ्री सिम प्लस, देखो आर वन को वन बाय टू इंटू आर वन, आर टू के वन बाय टू इंटू आर टू, देखो ए अप्लाई करने से क्या हो जाएगा वन ए वन हो जाएगा जीरो जीरो, ए क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ए वन हो जाएगा नहीं भी वन हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा 0 1 0, ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा 5, -2 2 हो जाएगा। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 3 -1 1, -15 6, -5 5, -2 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ इच अदर ओनली इफ एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिस इच एक्सेप्ट व्हेन ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स।